हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर देने वाली हूँ, जो कि है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एजुकेशन पेपर NTA UGC NET एग्ज़ाम 2021 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में ये आप लोगों से रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉपी पेन अपने साथ में रखें या सिलेबस रखें, जिससे आप अंडरलाइन करते चलें। आपके सिलेबस को इतने अच्छी तरीके से एनालाइज करके मैंने रखा है, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि डायरेक्ट इस यूनिट में से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया है, बकायदा पूरी लिस्ट तैयार की है और आप लोगों के लिए भी वो लिस्ट अवेलेबल है। आप चाहें तो अभी नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप अंडरलाइन कर लें पहले से जो सिलेबस है उसमें, या जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी उस लिंक पर जाकर भी आप वो देख सकते हैं। लिंक जो है मैं ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब पहली बात ये आती है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आए कहाँ से। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है या क्लियर करना है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उससे अच्छा गाइड कोई नहीं हो सकता है। कैसा पेपर आता है, किस पैटर्न के एग्ज़ाम, किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ से पता होती है। मैंने भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है NTA UGC NET पढ़ाने का पिछले 4-5 सालों का, और जो पिछले 16 सालों के पेपर मैंने एनालाइज़ किए हैं, उससे मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, तो रिकमेंडेड चीज़ें होप आप लोगों ने हाथ में रख ली होगी, पेन पेपर पेंसिल जो भी है। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, एजुकेशनल स्टडीज़। वैसे तो हमारे हर एक यूनिट में 4 सेक्शन दिए हुए हैं, उन चारों सेक्शन में से हर एक यूनिट के 4 सेक्शन हैं। आपने ध्यान से अगर सिलेबस देखा हो ABCD करके, तो मैंने वहाँ से कम्बाइंडली निकाले हुए हैं टॉपिक्स को और इनको सिंप्लीफाई भी कर दिया है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे कंफ्यूजिंग थे, समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें करना क्या है एक्चुअली में, तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी मैंने कर दिया है। तो जब आप इस लिस्ट को आप देखेंगे, तो आपको प्रॉपरली पता पड़ जाएगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। ठीक है, तो सांख्य योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और इस्लामिक ट्रेडिशन से वैलिड नॉलेज कैसे एक्वायर होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, फिर है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एसेंशियलिज्म। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, विजडम क्या है, इसके बारे में ये सारे जो इज्म हैं, है ना, ये क्या बोलते हैं, बस इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट एंड देयर फंक्शन। फैमिली का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, है ना, किन नॉलेज कैसे गेन करते हैं हम उनकी हेल्प से, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, होते क्या हैं ये देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, क्योंकि सोशल मूवमेंट एंड मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आया है, वो सिलेबस चेंज हुआ हो या सिलेबस चेंज होने से पहले हो। ठीक है, फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड की पॉइंट्स। तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक है, हम लोग BEd से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें से पॉल फरारे जो है द वेस्टर्न में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं। ठीक है, सावित्रीबाई फुले से देखिए, इस साल जो क्वेश्चन आया था इनसे रिलेटेड, इनकी जो की थिंकिंग है सभी थिंकर्स की, मैच द कॉलम के टाइप में आ रहे हैं आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, तो इनकी की थिंकिंग क्या है, इंटेग्रल एजुकेशन, एजुकेशन इन नेचर, ये किसका की पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, पॉल फरारे, तो स्कूल बैंकिंग, इस तरीके के कॉन्सेप्ट उनके हैं, तो आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए याद। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, सेकेंड यूनिट पर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। देखिए दोस्तों, अब आप इस लिस्ट में देखेंगे कहीं कहीं पर जो है ब्लू कलर है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको, जिनको मैं कवर कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से वो पार्ट जो मैं कवर कर चुकी हूँ, उसी की लिंक मैंने जस्ट यहाँ पर दे दी है। जैसे ही आप, या तो आप इसे नोट कर लें, आपको आती है तो अच्छी बात है,
नहीं आती और आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उस पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि कमिटी कमीशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन, मतलब कि वो कमिटी और कमीशंस के बारे में बताना है जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और उसमें आपको ऐसे तो बहुत सारी है, पर ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने यहाँ दी हुई है उन्हें हमें पढ़ना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो ये देखिए मैंने लिंक दे दी है, यहाँ पर आपको हैंड दिख रहा होगा, एक कर्सर जो है हैंड में बदल गया है, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बजटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, एक बजट कैसे बनाना है, एजुकेशनल बजट कैसे बनाना है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, बजटिंग की जो स्टेप्स होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है हमारा। फिर है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, तो ग्रोथ डेवलपमेंट, ये जो यूनिट 3 है इसका तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ये लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा यूनिट है जिसे हम अपनी पिछली जितनी भी डिग्रियां हैं उनसे पढ़ते आ रहे हैं। वो आपने बीएड में पढ़ा होगा यही पार्ट, आपने एमएड में पढ़ा होगा, और अब जब आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना है ना। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखना है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए ब्लू है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो अभी कवर कर रही थी उन सब में मैंने किया हुआ है। पर्सनैलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फ्रेड एंड कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन कवर किया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल इंटेलिजेंस क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। फिर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टनबर्ग, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बाय गार्डनर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन, देखिए ये कुछ इनमें से टॉपिक ऐसे भी हैं जो मैंने अदर वीडियोस के बीच में भी डिस्कस कर दिए हैं, तो अगर आप वो जो दूसरे वीडियो देखेंगे तो आपको इनका भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज पढ़नी है, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल थ्योरीज। बिहेवियरिस्टिक में किसकी हो जाएंगी आपकी, स्किनर की हो जाएगी, वॉटसन की हो जाएगी, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी में प्याजे की थ्योरी हो जाएगी, ठीक। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर प्रिंसिपल एंड नीड, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ये सभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेस टू काउंसलिंग, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है और ये एक पार्ट बचा है इसका, ठीक है। पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग कार्ल रॉजर की जो है। फिर है थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो इतना पार्ट बनता है यूनिट 3 का। यूनिट 4 की बात करें तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है ये पूरा, तो टीचर एजुकेशन के बारे में कैसे करिकुलम बनाना है, एनसीईआरटी और एनसीटी ने क्या क्या विज़न रखे हैं बनाने के एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर एजुकेशन लेवल पर, उसके बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ट्रांजेक्शनल अप्रोचेस और फाउंडेशन कोर्सेज, मतलब कि प्री सर्विस जो टीचर हैं उनको किस तरीके से हमें ट्रांजेक्ट करना है, करिकुलम को किस तरीके से बताना है, किस तरीके से अरेंज करना है, तो उसके लिए हमें ये 3 चीज़ें पढ़नी हैं। हालांकि इसमें से भी एक टॉपिक कोलैबोरेटिव वाला मैंने कवर किया हुआ है, लिंक में इसके यहाँ पर नहीं दे पाई हूँ, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के ऊपर भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर को जब एजुकेट करना है तो उनका जो करिकुलम बनाना है, उन्हें जो टीचिंग देना है, उसके मॉडल्स किस तरीके से बनेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पर लिंक है, ये येलो ऑरेंज कलर में आई, एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट इन सर्विस टीचर एजुकेशन, बहुत डिटेल में मैंने ये UGC NCT NCERT SCERT ये क्या है हमारा RMS है, मैं इसका फुल फॉर्म भूल रही हूँ, देखिए अभी ये सर्व शिक्षा अभियान, चलिए मैं भूल गई इसका, याद नहीं आ पा रहा है मुझे,
आप बताइएगा कमेंट में लिख करके, ठीक है। करिकुलम स्टडीज, करिकुलम स्टडीज जो है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो करिकुलम क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है, सब कुछ देखा हुआ है इसमें। फिलोसॉफिकल बेसिस इसके जो है हमने कवर किए हुए हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिकल बेसिस क्या होता है, करिकुलम प्लानिंग का फाउंडेशन जब बनाया जाता है तो सोशियोलॉजिकली क्या चीज़ें देखी जाती है, साइकोलॉजिकली क्या देखी जाती है, फिलोसॉफिकली क्या देखी जाती है, फिलोसॉफी में जो आपके अलग अलग इज्म है उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम कैसे बनाया जाता है वो हमें देखना होता है। फिर मॉडल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन है, तो ये सभी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आए हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। फिर मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवेल्यूएशन, ऑफ करिकुलम बना तो लिया आपने, उसका इवेल्यूएट कैसे करेंगे, तो उसके ये मॉडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर देखते हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। फिर है रोल ऑफ टीचर, हम क्या है, देखिए हम लोग जो है किसी भी शिक्षा का जो पार्ट है उसके उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट, टीचर और जो है करिकुलम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये पूरी हमारी यूनिट है, तो किस तरीके से हम मिल करके टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर मिल करके करिकुलम में किस तरीके के चेंज ला सकते हैं वो इस यूनिट में हमें देखना है। फिर हम देखें रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशन में कितने तरीके के रिसर्च होते हैं ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्लाइड आप देख सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च डिटेल में, ये सब डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस रिसर्च, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल और नल फॉर्मुलेशन, कैसे करेंगे आप उसको एक अच्छी रिसर्च हाइपोथेसिस की, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को और इंटरव्यू को बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन को दो वीडियो में एक्चुअली मैंने डिस्कस किया इसलिए मैंने यहाँ दो बार लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर है आपका एनालिसिस, हाँ एनालिसिस वाला पार्ट हमने कम किया है अपने चैनल पर, इसे कवर करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टाइप वन एरर, टाइप टू एरर क्या होता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पैरामेट्रिक टेक्निक्स, नॉन पैरामेट्रिक, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। स्टैटिकल टेक्निक्स, इसमें ये एनोवा और कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें केस स्टडी और ट्राइंगुलेशन, ट्राइंगुलेशन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, केस स्टडी को भी बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर आपका है पेडागॉजी एंड एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट, तो ये भी बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आप यहाँ पर से टॉपिक देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखे भी होंगे, ठीक है। नाउ एंड्रोगोजी क्या है, जब हम एक एडल्ट को पढ़ाते हैं उसे हम एंड्रोगोजी कहते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है एंड्रोगोजी में पढ़ाने के, कौन से बड़े बच्चों को पढ़ाने के कौन से मॉडल हैं, ठीक है, मतलब एक एडल्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होता है, ये सभी हमको यहाँ पर देखना है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये होता है कॉम्पिटेंसीज टू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, एंड्रोगोजी इज डिपेंड ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, क्योंकि एक एडल्ट को आप ये वो सेल्फ डायरेक्टली, जैसे आप हैं तो आप सेल्फ डायरेक्टेड होकर के पढ़ने आ रहे हैं, तभी आप जो पढ़ रहे हैं वो सफल भी हो पाएगा। अगर आपको कोई बोलेगा नहीं UGC नेट की तैयारी कर लो तो आपसे नहीं हो पाएगा फिर वो चीज़, आप अगर सेल्फ डायरेक्टेड हैं तो बच्चों को तो क्या झोंकना पड़ता है भाई पढ़ो पढ़ो, पर जो बड़े बच्चे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टली सेल्फ मोटिवेट होकर के पढ़ाई करते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें इस यूनिट में देखना होता है। असेसमेंट मीनिंग नेचर एंड पर्सपेक्टिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट, ये रिपीट हो गया आई थिंक, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ असेसमेंट इसमें हमें देखने हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक समेटिव असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इन पेडागॉजी इन एजुकेशन, पोर्टफोलियो एंड रूब्रिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है यहाँ का, ठीक है। फिर है असेसमेंट इन एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन, इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ये मैंने जब सिलेबस चेंज हुआ था उसी साल मैंने ये बनाया, उसी मतलब 2019 का ये वीडियो होगा और उसी समय बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, अगेन इससे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी इन
और फॉर एजुकेशन इसमें आपको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने कवर भी किया है यहाँ पर, क्योंकि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन जो है इंडिया की वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, पता है आप लोगों को यूके से इन्फ्लुएंस्ड है। तो पूरा मैंने ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम इंडिया में कैसे डेवलप हुआ ये सब कुछ कवर किया हुआ है अपने लेक्चर्स में, ठीक है। फिर है जो आपका ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन होगा, उसको अलग अलग थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग आप उसके स्टडी मटेरियल को, उसके प्लान को किस तरीके से आप अरेंज करते हैं, वो ये सेकेंड टॉपिक है आपका, है ना, सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। फिर कुछ मॉडल्स हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन डेवलप करने के, है ना, एश्योर एडिट डे कैन कैरी मॉडल, मैंसन्स मॉडल, ठीक है, एग्नेस नाइन इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फाइव ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, नाइन एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। फिर कंप्यूटर इन एजुकेशन, CICL, CBT, CML, ठीक। फिर कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ODLM, कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, उसमें आपको अलग अलग अप्रोचेस, जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग, ये तो वैसे सभी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि मैंने सिलेबस से ही निकाले हैं, उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा बार आपको जो पॉइंट देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो है ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। फिर इमर्जेंट ट्रेंड इन ई लर्निंग, वेब 2.0, सिलेबस चेंज होने से पहले बहुत आया है, अभी नहीं देखा मैंने इसको प्रीवियस दो क्वेश्चन पेपर्स में, पर स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, तो ये क्रिएटिव कॉमन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, अभी जो हम अपनी चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 और यूनिट 10, यूनिट 10 तो हालांकि हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार में ही, पर अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो यूनिट 9 के ऊपर हो रहा है। तो अभी मैंने हाल ही में पोस्टकॉब CPM और PIT का कुछ जो है लेक्चर अभी आने वाला है जस्ट, तो ये देख लीजिए आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, एंड ये सभी मॉडल लीडरशिप के जो मॉडल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कई बार इससे क्वेश्चन आया, सिक्स सिग्मा, देखिए मैंने लिंक दी हुई है इस पर, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, सिक्स सिग्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी गुरुज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से एडवर्ड डेमिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वाल्टर शेवर्ट का वीडियो भी जल्दी आने वाला है, ठीक है। फिर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इसका बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ये सभी चीज़ें आपको जो है मिल जाएगी जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इसकी, ठीक है। लीगल प्रोविजन, इसका PDF मैंने प्रोवाइड किया था, पर पता नहीं क्यों वेबसाइट से वो गायब है, पर फिर भी मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दूँगी जल्द ही, या तो ग्रुप में डायरेक्ट, क्योंकि डाउनलोड ही करना है उसे, और या फिर आप यही वेब पेज से ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज, हैंडीकैपनेस क्या होती है, कौन कौन से डिसेबिलिटीज होती हैं उनके बारे में आता है, ठीक है। बेस्ड ऑन ICF मॉडल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज, किस तरीके की डिसेबिलिटीज है जैसे मैंने बोला, और बैरियर एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या क्या बैरियर हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड, सोशल एंड एजुकेशनल, ठीक है। तो होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, क्योंकि सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपके सामने ला करके रख दिए हैं, अपने जो अभी तक की जितनी भी मेहनत है, मैं आपको कह सकती हूँ कि ये उसका सार है, क्योंकि इससे निकल करके क्वेश्चन पेपर कभी भी बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम अपने थ्योरी सेक्शन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।